अरे टीचर जी, क्या मांगता है? ब्रेड लेगा? विजय कुमार किधर है? वो केक का ऑर्डर डिलीवर करने गया है। मैडम, तुमने जोसेफ के बारे में पूछा ना? विजय कुमार के बारे में। यानी उसने सच बता दिया, उसका असली नाम जोसेफ ही है। अमिताभ का फिल्म देख के उसने खुद का नाम विजय रख लिया। ये पाव का धंधा उसका फैमिली बिजनेस है। हाँ। तुम यहाँ कब से? अब क्या बताएगा, पहला किधर और नौकरी करता था अपन। एक दिन केक का ऑर्डर देने के लिए कंजूस सेठ ने अपन को इधर भेज दिया। अपन को पता चला उस वक्त इधर हेल्पर का जरूरत था, काम कम पगार ज्यादा था, तो उधर रिजाइन मारा, इधर ज्वाइन मारा। स्मिता किधर है अंकल? और नेवी किसका बेबी है? विजय के लिए, नेवी के लिए मुझे बहुत फिक्र होता है। मुझे उसका हिस्ट्री बताओ प्लीज। हाय, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। एक मिनट रुको। क्या हुआ? अब चलो। ये सब किस लिए? किसी से इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पर किससे मिलना? फादर से। चर्च के फादर से? मेरे फादर से। यानी फादर इन लॉ? सही समझे। अरे बाप रे, उसके लिए तैयारी नहीं की मैंने। ये एग्जाम थोड़ी है जिसकी तैयारी करनी है, ढंग से पेश आना बस। अच्छा, उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा तो आइडिया दो यार। पूरी डिक्शनरी में उन्हें एक ही वर्ड से नफरत है। अच्छा, कौन सा वर्ड? पुलिस। पुलिस? साला डाकू है क्या? वो बुढ़ा मोटा तुम्हारा बाप है क्या? जान ले लूंगी, चुप रहो। ये है बुआ और ये है मोना। नमस्ते। पापा। गुड इवनिंग सर। पापा, विजय। हेलो, सॉरी सर, आप कहिए। क्या कहना है? नहीं सर, आप बड़े हैं, आप पहले कहिए प्लीज। मैं एक सलून में मैनेजर हूँ। विजय, ये देखने में इतने सीरियस हैं कि मुझे लगा कि हिस्ट्री या सोशियोलॉजी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होंगे, या फिर मोहनजोदड़ो पर रिसर्च करने वाले कोई उबाऊ आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन ये तो हजाम निकले। सॉरी सर, अपनों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ना। देखिए सर, मेरे पापा नहीं हैं, सिर्फ माँ ने पाला है, और अकेले बच्चे की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे बच्चे खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे कि मैं। बहुत मुश्किल होती है। और कितने सालों तक आप स्मिता की यूं ही फिक्र करते रहेंगे सर? उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। सर, प्यार होने से सिर्फ दो दिल ही जुड़ पाते हैं, लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जिससे दो परिवार एक हो जाते हैं। सर, बचपन से एक सपना देखा था कि मेरे भी मोना जैसी एक छोटी सी बहन हो, बिल्कुल इसकी तरह फूलों जैसी। सर, बचपन से सही गलत समझाने वाले पापा मेरे साथ कभी नहीं रहे, आप समझ सकते हैं। पर अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरे पापा की भी कमी आप पूरी कर देंगे। रिटायर होकर आप हमारे साथ ही रहना, बड़ा सा घर है मेरा, मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, साथ में वॉक पर जाएंगे, साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी कभार रात को टेरेस पे जाके छोटा छोटा बैग मारेंगे। सर, मैं रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मेरी अच्छी खासी साइड इनकम तो हो ही जाती है सर। सुबह पल्लवी को कॉलेज में ही ड्रॉप कर दूंगा। बुआ को टिफिन भी दे दूंगा मैं, मेरी माँ मास्टर शेफ की गुरु है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो चलेगा बुआ जी? स्मिता आपको बुआ बुलाती है तो मैंने सोचा मैं भी बुआ ही बुला लूँ। आप भी जब स्पेशल खीर बनाएंगी तो हमें जरूर भेज दीजिए, आप और मम्मी साथ बैठ के सास बहू वाला सीरियल देख सकती हैं। पर एक बात बता दूं, आराम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्दी नातियों को संभालने की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। सर, फैमिली से ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर आप राजी नहीं है तो हम ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे सर, आपके आशीर्वाद के बिना मुझे स्मिता चाहिए ही नहीं। सर देखिए, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारी जनरेशन के लिए प्रपोज वपोज मारना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे आप सबकी रजामंदी से ही शादी करनी है। इतना सब कहने के बाद भी शक की नजर से देख रहे हैं, समझ सकता हूँ, मेरे पेशे में बहुत खतरा है ना, इसे सिर्फ ट्रेनिंग में चलाया था, इससे ज्यादा तो मैं दिवाली में पटाखे की बंदूक चलाया हूँ। मैंने तो बंदूक। थैंक यू।
सर, अगर आप ये कॉफी पी लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राजी हैं। प्लीज पापा। ले गया जी निगम, लेमन टी हो तो और भी अच्छा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लगता है तुम मेरा घर बसने नहीं दोगे। एक तो लड़कियां वैसे ही भाग जाती है पुलिस की वर्दी देख के। कितनी मुश्किल से एक लड़की को पटाया, फिर उसके खड़ूस बाप को शादी के लिए कन्विंस किया। जैसे ही बाप हाँ करने वाला था, तुम्हारे आदमियों ने गोली चला दी, मूड की माँ बहन कर दी। मुश्किल से फैमिली सीन बनाया था, पर तेरे चमचों ने आकर बेकार में उसे फाइट सीन बना के रख दिया यार। अच्छा मेरी बात सुन, तुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टटुओं की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर होता रहेगा। इतने मजे से गोली मारूंगा जैसे मेले में गुब्बारे पर गोलियां चलाते हैं। मर्डर भी मैं ही करूंगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं ही आऊंगा, समझा? ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। कहने की तुझ जैसे कमीनों की कमी नहीं है दुनिया में। अब दोबारा उंगली मत करना वरना हाथ ही तोड़ दूंगा। बाय। ऐसे भी कर मत मार, मैं उन्हें मारने के लिए। दुआ करो फिर यहाँ पर आना ना पड़े, चाय भी नहीं पिलाई। भैया शायद आपको वो याद नहीं आता, पर हमको अश्विन का याद आ रहा है। सपने में दिखता है वो। ए, हमारा बिटवा मर गया है, पत्नी रो रो के पगला गई है, 40 साल का पॉलिटिकल करियर डूब रहा है। वो ससुराल इतनी आसान मौत नहीं मरेगा, ऐसी मौत देंगे कि यमराज भी दहल जाए। मौत का भीख मांगेगा और तुम हमारा साथ दोगे? हाँ भैया। कल मेरी नाइट शिफ्ट है, थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके, कल मैं। स्मिता। ओके मैं चलती हूँ स्मिता, बाय। बच्चों की तरह रूठ कर मुझसे 2 दिन से तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, बताओ? नहीं विजय, हमें नहीं मिलना चाहिए। वो क्यों? ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो ये तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो। तो चाहती क्या हो? एक सुपर हीरो बनके तुम पूरे शहर में अमन और शांति तो ला सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब तुम डर रही हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विजय। कल उस गुंडे ने सिर्फ तुम्हें घायल नहीं किया बल्कि मुझे, पल्लवी, बुआ, पापा, सब लोग, पता है हम कितना डर गए थे। स्मिता सब देख रहे हैं। स्मिता रुको रुको, काम दो। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ कि इसका सलूशन क्या है, क्या करूं मैं? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। पुलिस की जॉब छोड़ दो,
फौरन शादी कर लेंगे। जॉब नहीं छोड़ सकते तो ऑटो रुकवा दो, मैं अभी घर चली जाऊंगी। जाने से पहले कम से कम हाथ ही मिला लो। ओके, थैंक यू। कितने बेदर्द हो तुम, मुझे रोका भी नहीं, छुटकारा पाना चाहते हो मुझसे। ये तो जानता था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, पर ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आ जाओगी। अच्छा सुनो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने पुलिस की नौकरी से भी करता हूँ, ये बात समझ लो। इसलिए जॉब के लिए तुमको या तुम्हारे लिए जॉब को कभी नहीं छोड़ूंगा, फाइनल। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिगर मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। ओ, इतनी रात गए, चलेगा क्या? दौड़ेगा। जा बेटा, क्या चाहिए तुझे? क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो तुम। I feel complete. मतलब मैं समझा नहीं। प्यार करने वाला हस्बैंड, माँ से ज्यादा केयरिंग सास और एक परी जैसी नन्ही बेटी, और क्या मांग सकती हूँ। So I feel complete. रेडियट बोलती हो, क्या मांग सकती हो? अरे मैं तो नीवी को गिफ्ट में छोटा सा भाई देना चाहता हूँ। थोड़ी सी मेहनत होगी पर तब जाके सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ माँ, इसकी ड्रेस पूरी खराब हो गई है, दूध खुद को कम और कपड़ों को ज्यादा पिलाया है। मैं इसे ऊपर ले जाकर नहला देती हूँ, तुम तब तक रसोई साफ कर लो, उसके बाद ऊपर आकर आराम कर लेना। मेरी लाडली को भाई चाहिए। लो अब तो माँ भी समझ गई, तुम कब समझोगी। सॉरी But not interested. मैं निवी के साथ खुश हूँ। Okay, लेकिन तुम्हारा भी कुछ सपना होगा ना? कोई बड़ा सा सपना, कुछ भी। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव। जब दिल हो तब बारिश होने लगे, एकदम प्यारा मौसम हो, और हमारा छोटा सा घर हो, जहाँ पर बहुत सारे पंछी हो, और तुम्हारी नौकरी ऐसी हो कि तुम देर से जाओ और जल्दी से घर आ जाओ, और एक टू व्हीलर हो जिसमें निवी को बिठा कर स्कूल ड्रॉप करो, ना टीवी हो ना मोबाइल, फेस टू फेस चैटिंग हो, एक प्यारा सा डॉगी हो, उसका नाम होगा टाइगर। बिना किसी डिस्टरबेंस के हम तीनों अकेले अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा खुश रहें। एक दिन के लिए ही सही। बेबी, ये तुम्हारा सपना है? पार्टो, नाउ यू टेल मी हाउ मच यू लव मी।